एक डिजर्टेड आइलैंड पर हस्बैंड वाइफ और स्ट्रेंजर ये दिनों फंस जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं तो कोई रूल्स भी नहीं। आज की हमारी मूवी में कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी है। इसका नाम है सर्वाइवल आइलैंड, जो 2005 में रिलीज हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जेनिफर, ये स्विम करते करते एक डिजर्टेड आइलैंड तक पहुंच चुकी है। अब हुआ क्या था ये हमें पता चलेगा। जेनिफर अपना हस्बैंड जिसका नाम है जाय और अपने कुछ फ्रेंड्स इनके साथ हॉलीडे मनाने के लिए आई हुई थी। इन्हें फिशिंग करनी थी तो एक बोट उन्होंने हायर कर ली। ये जब वहाँ आए तो हमारे और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैनुअल, इसे मिलते हैं। मैनुअल इसी बोट पर काम करता है। जेनिफर की फ्रेंड ने मैनुअल को देखा और कहती है कि कितना हैंडसम है। उसकी फ्रेंड भी मैरिड है तो जेनिफर उसे कुछ भी करने के लिए मना करती है। ये सब डेक पर ही थे तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आई। इनमें झगड़ा स्टार्ट हो गया था, वो उसे मार रही थी, चिल्ला रही थी तो मैनुअल भी उसे स्लैप करता है। ये चीज जैक को अच्छी नहीं लगी। ये उस लड़की को बचाने के लिए जाने वाला था पर जेनिफर उसे रोक लेती है, कहती है ये उनके बीच में है, हमें इसमें नहीं घुसना चाहिए। जैक को मैनुअल पसंद नहीं। रात में जब ये सब एक साथ थे तो ड्रिंक कर रहे थे। जैक मैनुअल को देखता है तो उसे भी कहता है तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। जानबूझकर जैक उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो मैनुअल इसे इग्नोर कर देता है। इसी के पैरेलल में मैनुअल की गर्लफ्रेंड को हम फिर से देखते हैं। इस बार उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हैं, उसके पूरे हाथों पर ब्रेसलेट्स हैं, जैसे वो कोई रिचुअल कर रही हो। ग्राउंड पर भी बहुत सारे साइंस बनाए हुए थे। उसने फिर फ्रिज में से कुछ डॉल्स निकाली। उसके पास मैनुअल का फोटो था तो उसे पकड़कर डांस करने लग गई। वो इमेजिन करती है जैसे उसी के साथ डांस कर रही हो। वो एक डॉल लेकर ग्राउंड पर बने हुए स्टार के बीचों बीच रख देती है। नेक्स्ट सीन में जब जेनिफर और जैक अपने रूम में आए तो मैनुअल को उनका आवाज आ रहा था। इनके रूम साइड में ही थे। ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मैनुअल सब कुछ सुन रहा है। इंटीमेट होते होते ही जैक को जेनिफर में मैनुअल की गर्लफ्रेंड दिखती है। इसी के पैरेलल में मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने डॉल को मारा और चोट मैनुअल को आई। इसका मतलब है उसने रिचुअल कर मैनुअल की सोल उस डॉल में डाल दी है। अब वो उसे जैसा चाहे वैसा नचा सकती है। नेक्स्ट डे स्विमिंग पर जैक ने मैनुअल से कुछ बियर्स मंगवाई थी। बहुत टाइम हो गया पर फिर भी मैनुअल उसे इग्नोर कर देता है। जब बोट का कैप्टन जैक के पास आया तो जैक ने इस बारे में कंप्लेंट की। जैक कहता है कि मैनुअल को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है। कैप्टन इस बात से गुस्सा हो गया था तो मैनुअल पर भी बहुत चिढ़ जाता है। मैनुअल कहता है उसे मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कैप्टन उसे कहता है वो जो भी कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैनुअल को और भी गुस्सा आ गया, वो जॉब छोड़ देता है। गुस्से गुस्से में जाते हुए अपना एप्रन उसने बर्नर पर डाल दिया था, इसी वजह से आग लग गई। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। फिशिंग करते करते इन्होंने नोटिस किया कि बोट पर आग लग चुकी है। जल्दी से सब लोग लाइव बोट में बैठ जाते हैं। रात में बारिश हुई, तूफान आया था, इस वजह से ये लाइव बोट बर्बाद हो गई। हर कोई पानी में गिर गया था। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा जेनिफर तैरते तैरते किनारे तक आई थी। ये इसी के बाद का सीन था। अब वो किनारे पर रेस्ट कर रही थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। उसे कोई दिखा तो उसके पास वो भागती भागती गई। उसे डायरेक्टली कैप्टन की डेड बॉडी ही मिली। वो रोने लग गई, तभी मैनुअल उसके पास आ जाता है। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस आइलैंड पर इनके अलावा अब कोई भी नहीं है। रात में भी ये दोनों एक साथ ही सोए थे, यानी कि किसी को भी ठंड ना लगे। सुबह होने पर मैनुअल कुछ खाने की चीजें ढूंढता है। जेनिफर आकर उसे थैंक यू कहती है कल रात उसे वार्म रखने के लिए। उसने उसे पूछा कि हमें कोई लेने के लिए आने वाला है। मैनुअल कहता है कि हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, हम गायब है, ये भी किसी को पता नहीं चलने वाला। एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। कल रात बहुत ठंड थी तो जेनिफर उसे पूछती है क्या हम फायर बना सकते हैं। मैनुअल को पता है कि कितना भी ट्राई करे पर फिर भी स्टिक्स वगैरह लेकर वो फायर नहीं बना सकते। मैनुअल ने कहा कि हम एक घर बना लेंगे। ये दोनों फिर काम पर लग गए। उन्होंने कुछ वुड्स, कुछ लीव्स ये सब बांधकर एक घर बना लिया। ये कभी कोकोनट वाटर पीते थे तो कभी बारिश का पानी स्टोर करके रखते थे। जेनिफर को शोर लग रहा था तो मैनुअल कहता है तुम्हें स्विम करना चाहिए। ये दोनों फिर एक साथ स्विम कर रहे थे। जेनिफर कहती है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा था, ऐसा क्या हुआ है। मैनुअल ने कहा कि वो मुझे मार रही थी, सबके सामने उसने मुझे बेइज्जत किया इसीलिए मैंने उसे मारा। वो प्रेग्नेंट है और मुझसे शादी करना चाहती है। जेनिफर पूछती है कि इसमें गलत क्या है। मैनुअल कहता है कि मुझे पता नहीं,
वो बेटा मेरा ही है या किसी और का। जेनिफर उसे जज कर रही थी तो मैनुअल कहता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान रही हो, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। तुम भी तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही हो, तुम्हारे पास पैसे है तो लगता है सब कुछ तुम बाय कर सकते हो, तुम सिर्फ एक स्टूपिड लड़की हो। जेनिफर को इस पर गुस्सा आ गया, वहां से चली जाती है। वो न्यूड थी तो मैनुअल को उसने मुड़ने के लिए कहा, पर वो मुड़ता नहीं। वो दिन भर उससे कुछ भी बात नहीं करती। रात में मैनुअल कहता है, जब भी मेरे फादर और मदर का झगड़ा होता था तो मेरे फादर शांत हो जाते थे, मुझसे कहा करते थे हमें सिर्फ दिखाना है। वो सिर्फ प्रिटेंड करते थे कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वो जेनिफर को सॉरी कहता है। अगले सुबह जेनिफर भी बोलती है, मुझे कुछ भी फाइट नहीं करना, अभी दोनों यहाँ से फ्रेंड बन चुके हैं, इन्हें किनारे पर कोई भी फिश नहीं मिल रहा। रीफ पर अगर मैनुअल जाए तो वहां पर उसे बहुत सारे फिश मिल सकते हैं, पर बहुत ही रिस्की है, पर फिर भी रिस्क लेने के लिए वो रेडी था। उसके पास एक गॉगल और स्पेयर है, इससे वो फिश को मारकर लेकर आता है। उसने एक जगह पर देखा तो वहां पर जैक जख्मी होकर पड़ा हुआ था, वो अपने साथ उसे लेकर आता है। जेनिफर जैक को देखकर बहुत खुश थे, उसे लगा था कि उसकी डेथ हो चुकी है। वो उसे पानी पिलाती है, जरा कंफर्ट करती है। उसके बाद जैक सो गया था। जैक जब नींद से जगा तो जेनिफर और मैनुअल को उसने एक साथ हैंग आउट करता हुआ देखा। उसे इन पर शक आता है। जैक के पास लाइटर भी था तो उसने आग लगा ली। इनका फायर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। जैक जेनिफर और मैनुअल से कहता है, तुम दोनों बहुत ही बिजी थे, ये शेड वगैरह तुमने बहुत अच्छी सी बना ली है। इसके बाद मैनुअल यहाँ से चला गया तो जैक जेनिफर से कहता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ, बहुत दिनों तक तुम दोनों अकेले ही थे। जेनिफर कहती, कुछ भी बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैक इस बात को जाने ही नहीं दे रहा था तो जेनिफर गुस्से में स्विम के लिए चली गई। वो वापस आने पर उससे वो सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं जरा बीमार हूँ इसलिए ये सब चीजें बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, उसे पानी पीने के लिए कोकोनट वाटर भी मिल नहीं रहा था। उसे लगता है बोट का एक्सीडेंट हुआ, इसके पीछे मैनुअल ही था। मैनुअल अब फिश पकड़ने के लिए जाने वाला था तो जैक जेनिफर से कहता है, उसके पास गॉगल कैसे है, जब बोट डूब रही थी तब उस वक्त उसने गॉगल कैसे लिया। जेनिफर कहती है, तुम ऐसे ही शक ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैक को अभी भी लगता है जेनिफर और मैनुअल का अफेयर है। मैनुअल अब फिश लेने के लिए जा रहा है तो जैक कहता है, तुम भी उसके साथ जाओ, उसे जरा शांति चाहिए। मैनुअल अंडर वाटर जाकर एक फिश पकड़ कर लाया। वो जेनिफर से कहता है, तुम भी अंदर जाकर देखो। अंदर उसने देखा तो बहुत सारे शार्क्स थे। मैनुअल इस पर बहुत हंसा। ये जब किनारे तक आए तो मैनुअल का सब सामान उठाकर जैक ने अपने लिए ले लिया था। मैनुअल को इस पर गुस्सा आ गया और वो कुछ भी बोलता नहीं। जैक ने मैनुअल का शेल्टर भी अलग कर दिया है। जैक जेनिफर से फिर से पूछता है, तुम्हारे बीच में हुआ क्या है। जेनिफर कहती है, तुम सब कुछ इमेजिन कर रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जब बाद में जेनिफर और मैनुअल हैंग आउट कर रहे थे तो मैनुअल उससे पूछता है, इसका प्रॉब्लम क्या है। जेनिफर कहती है, उसे लगता है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। मैनुअल कहता है, तो हमें अफेयर कर लेना चाहिए, ऐसे ब्लेम लेने में क्या बेनिफिट है। जेनिफर इस बात को सीरियसली नहीं लेती। थोड़ी देर बाद जैक भी इनके पास आया। जेनिफर ने जैक से कहा, मैनुअल एक इंजीनियर है। जैक मैनुअल का मजा लेता है, कहता है, अगर तुम इंजीनियर हो तो बोट पर क्यों काम कर रहे थे। मैनुअल इस पर बहुत गुस्सा होकर वो कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, यहाँ पर मेरी वजह से तुम जिंदा हो। जैक कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपना देखो और मैं अपना अपना देख लूंगा। मैनुअली इन्हें फिश वगैरह लाकर देता था, अब इनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाते है। जैक कुछ ना कुछ तो ढूंढने की कोशिश करता है पर सही से कोई भी ढूंढ नहीं पाता। मैनुअल की तरह अंडर वाटर जाकर वहां से वो फिश नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास गॉगल नहीं है। मैनुअल अच्छे से फिश पकड़ता है और अच्छे से खाना खा रहा था। जेनिफर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वो भी उसके पास आई। मैनुअल कहता है, अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो। जेनिफर कहती है कि जैक को बहुत बुरा लगेगा। मैनुअल कहता है, उसे पता भी नहीं चलेगा। उसे प्रॉमिस करता है कि उसे नहीं बताएगा। ये उसके पास बैठती है तो मैनुअल मजाक में कहता है, खाने के बदले मुझे किस देना। जेनिफर फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है। इन्होंने बातें की और जाते वक्त गाल पर किस कर वो चली गई। मैनुअल कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा सा फिश लाऊंगा, यानी मुझे सही से किस मिल पाए। जेनिफर इस पर हंस देती है। थोड़ी देर बाद जैक फिर से वापस आया। उसने बहुत ही छोटे छोटे फिश लाए हुए थे, इसे वो खा भी नहीं सकते। मैनुअल इसे देखता है और कहता है कि वो पॉइजनस है। जैक ने फायर के पास एक स्टिक दिखी जहां पर फिश था। वो जेनिफर को कन्फ्रंट करता है तो उसे पता चल जाता है
इमैनुअल का खाना इसने खाया है। उस पर बहुत गुस्सा हो गया तो जेनिफर कहती है मैंने उससे वो चुरा लिया था। मैनुअल पीछे से आवाज लगाता है अगर वो मुझसे मांग भी लेती तो मैं हंसी खुशी उसे दे देता। जैक को बुरा लगा तो सही से खाना ढूंढना वो फिगर आउट कर लेता है। एक दिन यही फिशिंग वो कर रहे थे तभी मैनुअल उसे अपने टेंट के पास दिखा। मैनुअल के पास फायर नहीं है तो जैक की फायर वो स्टील कर रहा था। इस कोशिश में जैक की फायर भी बुझ गई थी। जैक इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ये दोनों फिर झगड़ने लग जाते। जैक कहता है तुमने जानबूझकर शिप को आग लगाई थी। मैनुअल कहता है कि कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फंसना नहीं चाहता था। जैक कहता है तुम जेनिफर को पाना चाहते थे। इनका झगड़ा खत्म हुआ। नेक्स्ट डे जैक मैनुअल का गॉगल चुरा लेता है। वो फिशिंग करने के लिए गया। मैनुअल जब उठा तो जेनिफर को ही देख रहा था। जेनिफर कहती है इस तरीके से मत देखो, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकती। मैनुअल कहता है मुझे तुम्हारा फ्रेंड से कुछ ज्यादा बनना है। जेनिफर उसका कुछ भी नहीं सुनती। वो जा रही थी तभी मैनुअल ने रियलाइज किया कि उसका गॉगल जैक लेकर गया है। वो बहुत गुस्सा हो गया। अब जाकर जैक को मारने वाला था पर जेनिफर उसे रोक रही थी। गुस्से गुस्से में उसने जेनिफर को ही पकड़ लिया। ये दोनों करीब आ गए थे तो यही पर इंटीमेट हो गए। जेनिफर कहती है इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैनुअल कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जेनिफर जैक के साथ ही रहना चाहती है। उसने मैनुअल से प्रॉमिस लिया कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। मैनुअल कहता है इस तरीके की बातें पता चल जाती है। जेनिफर पूछती है तुमने फिर ये किया क्यों। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। थोड़ी देर बाद जैक फिर से वापस आया। इस बार उसने प्रॉपर फिश पकड़ कर लाया है तो बहुत खुश था। जेनिफर कहती है तुम्हें उसके गॉगल चुराने नहीं चाहिए थे। वो बहुत गुस्सा था। जैक कहता है अगर वो गुस्सा था तो फिर क्या। जैक मैनुअल की तरफ देखता है तो स्माइल कर रहा था। जैक जेनिफर से पूछता है अगर वो गुस्सा था तो फिर क्या हुआ। जेनिफर कुछ भी नहीं बोली तो उसे पता चल गया कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। वो उसे पूछ लेता है पर फिर भी जेनिफर कुछ भी नहीं बोलती। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। जेनिफर के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर जाकर मैनुअल के पास वो छोड़ देता है। मैनुअल ने उसे सहारा दिया, कहा कि उसे अब जाने दो। जैक अब आइलैंड के दूसरे साइड पर जाकर रहने लग गया। यहाँ पर जो भी कचरा पड़ा हुआ था इन सब चीजों का उसने यूज किया। अपने लिए भी एक गॉगलो बना लेता है जिससे वो फिशिंग कर सके। जब वो आइलैंड पर आया था तो जरा आउट ऑफ शेप था। अब उसने फिर से बॉडी बना ली है। एक दिन जेनिफर को जैक दिखा ही नहीं तो वरी कर रही थी। मैनुअल कहता है तुम अभी उसके बारे में क्यों वरी कर रही हो, उसके बाद छोड़ दो, हम जरा एंजॉय करते हैं, हम डांस कर सकते हैं। जब ये दोनों डांस कर रहे थे तो जैक इन्हें दूर से देख रहा था। एक दिन जैक को पानी में डूबी हुई बोट मिली। उसे खींच कर किनारे तक लेकर आया। जेनिफर और मैनुअल ने देखा वो भी उसके पास गए। वो कहते हैं हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इस बोट को बिल्ड करने के लिए। जैक कहता है मुझे कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। जेनिफर इस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है वैसे भी तुमने कोई भी चीज कभी शेयर नहीं की थी। जैक थोड़े टाइम में इस बोट को सही से बना लेता है जिससे वो सेल कर सके। मैनुअल को लगता है कि अगर जैक वैसे ही गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सही से सेल नहीं कर पाएगा। यही बात वार्न करने के लिए जेनिफर जैक के पास गई। वो कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि किस डायरेक्शन में जाना है। जैक स्मार्ट था तो उसे सब कुछ पता था, उसे सेलिंग भी आती थी। उसे कहता है कल सुबह मैं निकलूंगा, एक दिन में किनारे तक पहुंच भी जाऊंगा। जेनिफर इसे सोचने लग जाती है। जैक कहता है अगर मेरे साथ आना है तो फिर से मेरी बन जाओ। ये सुनकर जेनिफर वहां से चली गई। रात में जेनिफर और मैनुअल इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। मैनुअल कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, चलो हम स्विम के लिए चलते हैं। ये स्विम करते हुए पानी में ही इंटीमेट हो रहे थे। ये सब देखकर जैक बहुत ही जेलस हो गया। पानी में जेनिफर मैनुअल से कहती है हमें उसकी बोट चुरा लेनी चाहिए। मैनुअल कहता है अगर उसने रजिस्टर किया तो हम क्या करेंगे। जेनिफर कहती है हम उसे मार डालेंगे। अगली सुबह जैक बोट को रेडी कर फिशिंग करने के लिए चला गया था। मैनुअल को इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। वो जेनिफर को कहता है उसके वापस आने से पहले हम चले जाएंगे। बोट पानी में डालकर ये बहुत आगे पहुंच गए। जैक जब ये देखता है तो हंसने लग जाता है। जेनिफर और मैनुअल आगे आ चुके थे पर बोट में होल था। अचानक से पानी भरने लग गया। ये पानी में 1-2 किलोमीटर आगे थे तो उन्हें सब कुछ स्विम कर जाना पड़ा। जेनिफर किनारे तक पहुंची। जैक से कहती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जैक पूछता है कि मैनुअल कहाँ है। मैनुअल भी दूर किनारे तक पहुंच चुका था। जैक एक स्पेयर लेकर उसके पीछे भागता है।
ये स्पेयर उसने उसके बैग में डाल दिया। जेनिफर जैक को रोक रही थी। मैनुअल जल्दी से स्विम करते हुए वहां से दूर चला जाता है। रात में हम देख सकते हैं जैक ने जेनिफर को बांध कर रखा था। मैनुअल के मिलने के बाद वो इन दोनों को मार डालेगा। जेनिफर के पास वो आया, कहता है तुम इस तरह से बंधी हुई हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यही बातें करते करते मैनुअल पीछे से उस पर हमला कर देता है। इन दोनों की बहुत टफ फाइट हुई, दोनों हर्ट हो चुके थे तो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। मैनुअल को चोट लगी थी तो जेनिफर ये चोट पूछ रही थी। उसे कहती कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए। मैनुअल कहता है अब मैं उससे फाइट करूंगा, मैं छुपना नहीं चाहता। जैक सब स्पेयर वगैरह रेडी कर मैनुअल को ही हर्न कर रहा था। वो जंगल में सब जगह पर ढूंढता है तो ऊपर से ब्लड गिरा। मैनुअल और जेनिफर ये दोनों पेड़ पर चढ़े हुए थे। वैसे तो मैनुअल का ब्लड गिरता नहीं, पर जैसे कि हमें पता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी सोल एक डॉल में डाल दी है। वही जानबूझकर मैनुअल का ब्लड जैक पर गिराती है, जिससे जैक को पता चल जाए कि मैनुअल कहाँ है। मैनुअल की गर्लफ्रेंड अल्टीमेटली उसे बदला ही लेना चाहती थी। मैनुअल और जेनिफर ये दोनों जैक पर ऊपर से कूद गए। जैक ने मैनुअल को बहुत इंजोर कर दिया। जेनिफर जैक से लड़ रही थी। जेनिफर के हाथ में चाकू आ गया जिससे जैक को मारने वाली थी। जैक उसे रेजिस्ट करता है, तभी मैनुअल को फिर से होश आ गया था। वो एक बड़ा सा पत्थर लेता है, जैक को मार ही डालता तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उसका पैर फिसला दिया। नीचे एक स्पेयर था जो मैनुअल के पेट में घुस गया, इससे उसकी डेथ हो गई। उसने ये सब करवाया है। अब मूवी में एक साल बीत चुका है। आज तक जेनिफर और जैक ये दोनों इसी आइलैंड पर फंसे हुए थे। इनके बीच में सब चीजें नॉर्मल हो गई थी। एक दिन इस आइलैंड पर कुछ लोग आए, उन्होंने जेनिफर को फाइंड किया। वो बहुत खुश थी कि वो घर जा सकती है। वो उनकी बोट पर आकर पेट भर खाना खाती है। नॉर्मल खाना खाए हुए उसे 1.5 साल हो चुका है। जाते वक्त वो जैक का लाइटर लेकर जाती है। जैक फिशिंग कर रहा था तो उसे इसके बारे में पता ही नहीं। जेनिफर उन लोगों के साथ आगे चली गई थी। जैक ने देखा और उन्हें वो आवाज लगाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसे सुन नहीं पाया। जेनिफर भी उसे एज अ पनिशमेंट वही छोड़कर चली जाती है। अगर इस मूवी में हम देखें तो जिस आइलैंड पर कोई भी रूल्स नहीं है, उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है, तो कुछ भी करे तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से सबके अंदर का इविल बाहर आ गया। मैनुअल तो पहले से कैरेक्टरलेस था। वो जेनिफर के साथ मिला और जैक को यही इसी आइलैंड पर छोड़कर जाने वाला था। जैक पहले से इन पर शक करता था। जब उसे अफेयर के बारे में पता चला तो उसे इन्हें छोड़ देना चाहिए था। उसने रिवेंज लेने का सोचा। इसी वजह से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इस मूवी में कोई भी कैरेक्टर सही नहीं था। सब सिर्फ उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट पर ही एक्ट कर रहे थे, जो सबसे गलत है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।